हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप YouTube की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको YouTube चैनल क्रिएट करना या कस्टमाइजेशन करना नहीं आता है तो हमने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उन वीडियोस को देख के आपका चैनल क्रिएट कर सकते हैं और चैनल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काइनमास्टर को ओपन करते हैं और फिर जो है न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमको YouTube के लिए वीडियोस अपलोड करना है यानी कि एडिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं हमारी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो सिंपली हमको वो वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है जो हम एडिट करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं उस वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने वीडियो को यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आ चुके हैं। अब इसको हमें एडिट करना है, इसको कट कॉपी करना है कि जो भी आपका पार्ट है जो आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको जहाँ पे भी जिस भी पार्ट को आपको कट करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको इस तरीके से जाना होगा। इस तरीके से जाने के बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। ऊपर कैंची का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको अगर लेफ्ट साइड से क्लिक कट करना है तो सबसे ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड का जो है डिलीट हो जाएगा। अगर आप राइट साइड का डिलीट करना चाहते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन पे राइट ट्रिम पे क्लिक करना होगा, राइट साइड का डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरी बीच में से वीडियो जो है मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो वो डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है और जहाँ तक आपने गलत बोला है वहाँ तक आपको दोबारा से स्प्लिट कर देना है। इस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे फिर आपको जो है कि तीन हिस्सों में अब हो चुकी है वीडियो। ये बीच वाला पार्ट मेरे कोई काम का नहीं है, जहाँ पे मैंने गलत बोला था ये पार्ट अब मेरे को डिलीट करना है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना और साइड में जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है तो साइड वाला जो है डिलीट हो जाएगा। यानी कि जो बीच में जो भी आपने गलत बोला था वो पार्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से आप जो है डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जैसे कि आपकी वीडियो के अंदर आपको कोई फ़ोटो दिखाना है तो कैसे आप दिखा सकते हैं। सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आप फ़ोटो या वीडियोस दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं ये फ़ोटो जो है ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे यहाँ पे क्लिक करके आप अपने जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं और टाइम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी टाइम के लिए आपको रखना वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से अभी ये दिखाई देने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी फ़ोटो या वीडियो को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की। जैसे कि हम यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लेयर पे क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हमको ये जो बीच में दूसरे क्रिएटर की वीडियो यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको ब्लर करना चाहता हूँ तो कैसे आप कर सकते हैं। सिंपली आपको बेसिक इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट और सेकेंड वाले में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो है जितने भी टाइम तक आपको ब्लर रखना है वो यहाँ पे आपको टाइमलाइन सिलेक्ट कर लेना है, वो कम ज़्यादा आपको कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी ये पार्ट है ये इतना ब्लर हो चुका है, ये प्रॉपर आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने ये प्रॉपर ब्लर नहीं हुआ है। तो आप इसको प्रॉपर ब्लर करना चाहते हो तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको जो है इसकी रेडियस को बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आप जो है इसको ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लर पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ब्लर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगर आपको कोई वीडियो के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, फिर जो है टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा। वीडियो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसका कलर वाइट है तो आपको इसको चेंज करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कलर पे क्लिक करना होगा और जो भी आप कलर लेना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे कलर आ जाएगा।
अब आपको लगता है कि ये फ़ोन ठीक नहीं है, इसको आप चेंज करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो फ़ोन आपको देखने को मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये हो चुका है फ़ोन चेंज। अगर आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा सा फेड हो, तो फेड वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। पॉप अप करके आए तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेड का लगा लेता हूँ और आउट एनिमेशन पे भी मैं फेड का लगा देता हूँ। तो अगर ये लास्ट में यहाँ पे वीडियो चलते हैं तो कैसे दिखाई देने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बस इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर। अब बात करते हैं कैसे आप इसके अंदर कोई स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है, स्टिकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कब सारे आपको स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका मन पसंदीदार स्टिकर इसमें नहीं है तो ऊपर स्टोर का आइकन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से स्टोर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो है कब सारे स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा वाईफाई ऑन है जिस वजह से यहां पे स्टोर को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूं। तो इस तरीके से आप स्टिकर वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको कोई साइन लगाना है या कुछ लिखना है तो कैसे आप कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको कुछ लिखना है पेंसिल से तो आप डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको रिमूव करना है तो यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर आपको इसकी जगह कोई साइन यूज़ करना है तो सिंपली आपको पेंसिल के नीचे की एक डॉट दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और जिस भी साइज जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो, सर्कल या कुछ भी इनमें से यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ये आइकन जो है ये यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से इसको करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके जो है साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपली आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके साइज़ को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहो इस तरीके से। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आप कलर लेना चाहते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, अगर आप जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं काइन मास्टर के अंदर तो कैसे आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैंने इतना सा पार्ट जो है एक रिकॉर्ड किया है, मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले इसकी ऑडियो को जो है मैं बंद कर देता हूँ। तो सिंपली ऑडियो बंद करने के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है, मिक्सचर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना और यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन आपको इस पर क्लिक कर देना, तो ये वॉइस बंद हो चुकी है। अब मैं आपको सुना देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी आदमपुर। तो जो मैंने यहाँ पे बोला है वो यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली मैं इसकी जो है आवाज़ को ज़्यादा कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है काइन मास्टर के अंदर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो उसके लिए सिंपली आपको ऑडियो पे क्लिक करना होगा और जहाँ पे भी आपने म्यूजिक रखा है वो फोल्डर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है ऑडियो को ले लेता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ पे ऑडियो है। तो यहाँ पे मैं ये जो तो मैं इसको एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ, फिलहाल यही अवेलेबल है मेरे पास। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, दोनों को ध्यान में रखना होगा कि कहीं ज़्यादा वॉइस ना हो जाए, जो हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हैं उसकी वॉइस नॉर्मल वॉइस से ज़्यादा ना हो जाए। तो वो मैनेज करना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ। तो कुछ भी इसमें अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो सिंपली आपको जो भी म्यूजिक लगाना चाहते हो उस पर क्लिक करना है, मिक्सर पे क्लिक करना और इसकी आवाज़ को जो है 10 से 15 के बीच में रखना है। तो मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ और आपको सुनाता हूँ कैसे ये सुनाई देने वाला है। कर सकते हैं अगर आपको अपना YouTube चैनल क्रिएट नहीं करके पीछे जो है नॉर्मल सी आवाज़ है, जिससे जो है मेरी आवाज़ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छे तरीके से लग चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपनी YouTube वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और सिंपली एडिट करने के बाद आपको जो है ऊपर सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेव वीडियो पर क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एडिटिंग सीख पाएं। और आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लाते रहें।